pleasure, sir, giving me opportunity. Thank you, sir. Dr. Kirit Solanki. हाल ही में संपन्न हुई देश में पांच राज्यों के चुनाव के बाद जो परिणाम आया उससे झटका खाते हुए और उससे हड़बड़ाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली ये यूपीए सरकार महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से अपने बिगड़े हुए चेहरे को संवारने की कोशिश कर रही है। सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने ये सरकार को ईमानदार और कारगर सरकार कहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में जितनी भी सरकारें आई, इतनी सरकारों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुई है तो ये सरकार के कार्यकाल में हुआ है। इस सरकार के कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े कौभांड और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। मुझे याद है कि स्वर्गस्थ श्री राजीव गांधी की सरकार जब थी तब सिर्फ 64 करोड़ रुपए के बफोर्स के घोटाले में एक बहुत प्रभावी रूप से स्पष्ट बहुमत के रूप से सरकार शासन में आई थी, फिर भी उसको जाना पड़ा था। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि इतने बड़े जो घोटाले हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, अगर आपको इसके देखो तो गगन के छू जाए इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं। आप 2G स्कैम लो तो 2G स्कैम में 2G स्कैम में 1,76,000 रुपये के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। एक नहीं है मेरे दोस्त, हमारे गुजरात में कहावत है Please refer to the chair, कि लाजवानी जगह गाजता होय छे। Honorable member, ये हमारे दोस्त, हमारे ट्रेजरी बेंच के दोस्त, लाजने की जगह उनको लाज आनी चाहिए, उसकी जगह भ्रष्टाचार के मामले में वो गाजते आए। मुझे इस बात का ताज्जुब होता है और दुख भी होता है। राजीव गांधी की सरकार जब सत्ता में आई तो चली गई थी। ये सरकार के फक्त 2G स्कैम नहीं है मगर आदर्श कौभांड भी है। ये सरकार के बारे कितने करोड़ों रुपया का कॉमनवेल्थ घोटाला भी है, नरेगा में भी घोटाला है। मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये घोटाले वाली सरकार को, जो सरकार अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहती है, तो उनके लिए ईमानदार शब्द रखा है और कारगर शब्द रखता है। मैं समझता हूं कि कारगर शब्द की जगह यहां कारागार शब्द होना चाहिए, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन होते हुए ये भ्रष्टाचार के मामले में मंत्रियों और कई सदस्यों को कारागार में भेजा है। ये सरकार को इतना बड़ा जो अपने आप को जो प्रमाण पत्र देती है, मेरे ख्याल से बहुत कम नसीब बात है। पूरे देश जानता है कि ईमानदारी और संप्रज्ञ सरकार का कतई ही मेल नहीं खाता है। यूपीए सरकार में जो घोटाले हुए हैं, मेरे ख्याल से इतने घोटाले कभी भी नहीं होता है। काले धन और खराब प्रबंधन के बारे में महामहिम राष्ट्रपाल ने अपने अभिभाषण में संसद के दोनों गृहों को बताया है कि हम काले धन को वापस लाने के लिए हम कारगर उपाय करेंगे। राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में खराब, मुझे इस बात का गर्व है कि विदेशों में अवैध रूप से जमे काला धन हमारे नेता, भारतीय जनता पक्ष के हमारे नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले काले धन के बात को उजागर की थी। इस वक्त ये सरकार और ये सरकार में बैठे हुए सब लोग आडवाणी जी के बात को नजरअंदाज करते थे। आज दूध का दूध और पानी का पानी आज जब बाहर आया है, तब विदेशों में जो अवैध रूप से जो काला धन जमा है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी मात्रा में काला धन उसमें जमा हुआ है। ये काला धन को लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में खोखले वादे किए गए हैं, उसमें उसके लिए कोई प्रबंधन करेगा ऐसा वादे किया है। मैं समझता हूं कि ये सरकार के जो मंशा ठीक नहीं है, ये सरकार के पास पॉलिटिकल विल नहीं है, ये काला धन के बारे में कुछ नहीं कर सकती है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति में बढ़ावा करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बात रखी है। मैं ट्रेजरी बेंच को और ये सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो कुशासन की वजह से जो महंगाई हुई है, ये महंगाई की दर को लेते हुए छात्रों को छात्रवृत्ति में बढ़ावा करना चाहिए, वो एक नेचुरल लॉ है, उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। मगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ये सरकार ये अभिभाषण में कोई भी प्रबंधन नहीं किया है। आज हम देखते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान यहाँ प्रस्तुत किया है और ये संविधान के तहत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया है, पूरे देश में आरक्षण का कोई प्रकार का नजरअंदाज किया जाता है, आरक्षण को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसीलिए मेरी मांग है कि रिजर्वेशन बिल ये सरकार को जल्द से जल्द लाना चाहिए और रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन करने में ये सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन इस कई जगह पे उसको भी नजरअंदाज किया जाता है। ये बिल के प्रावधान में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, ये मैं सरकार से मैं मांग करता हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले 7 वर्षों में जीडीपी के 1% से भी कम धनराशि की आवंटन की जाती है। मेरा स्पष्ट मानना है, मैं पेशे से एक तबीब भी हूँ और मेरा स्पष्ट मानना है कि देश में इतने कुपोषण के मामले हैं, देश में इतने बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, देश में इतनी महिलाएं कुपोषण की वजह से मर जाती है, तब स्वास्थ्य की सेवाओं में धनराशि को उपलब्ध करना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बोला है कि 12वीं योजना में 2.5% वो धनराशि को आवंटन करने का प्रयास करेगी। मैं मानता हूं कि इसमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आगामी 12वीं योजना में 2.5% ऑफ द जीडीपी की धनराशि का सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लोगों को जो कुपोषण और जो गरीब जो दर्द की वजह से लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिलती है, गांव में सुविधाएं नहीं मिलती है, दलितों को सुविधाएं नहीं मिलती है, किसानों को सुविधाएं नहीं मिलती है, वनवासियों को सुविधाएं नहीं मिलती है, उसे सुविधाएं मिल सके। ये सरकार के अभिभाषण में जो बोला गया है कि एमबीबीएस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों में बढ़ावा किया है, एमबीबीएस की सीटों में 26% बढ़ावा किया है और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 62% बढ़ावा किया गया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो एमबीबीएस और एमएस की सीटों में बढ़ावा किया गया है वो फक्त ही निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ावा किया गया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि मेडिकल की सीटों का बढ़ावा सरकारी कॉलेजों के तहत होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल जो निजी मेडिकल कॉलेज है वो फक्त जो 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 तबीबी शिक्षा का व्यापारीकरण करता है। आज मेडिकल में अगर निजी कॉलेज में किसी को एडमिशन लेना है तो उसको 40 लाख से 50 लाख रुपया मुहैया करना पड़ता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी को एडमिशन लेना है तो उसको 80 लाख से लेकर 1,70,000 तक उसको 1,70,000 तक उसको जो पैसा डोनेशन के स्वरूप में देना पड़ता है। मेरे ख्याल से गरीबों के प्रति उपहास है, कोई दलित या गरीब या वनवासी या किसान का लड़का मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकेगा और कोई भी लड़का वो मेडिकल में जाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो ह्यूमन रिसोर्स में मेडिकल में जो सीटों की बढ़ोतरी किया जाए वो स्पष्ट रूप से वो गवर्नमेंट सीटों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कुछ वर्षों के पहले उनके जो चेयरमैन ने कुछ भ्रष्टाचार किया था और इसके तहत इस सरकार ने मेडिकल काउंसिल को सस्पेंड कर दिया है और राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत ये दूसरे साल एक्सटेंड किया है और अभी एमसीआई को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे ख्याल से भारत के जो तबीबी व्यवसाय के प्रबंधन में
एवं तबीबी शिक्षा के प्रबंधन में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अहम योगदान है। 2G घोटाले में इतना सारा घोटाला हुआ, 2G घोटाले में इतना घोटाला हुआ, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को हमने सस्पेंड नहीं कर दिया है, तो फिर क्यों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है? घोटाला नहीं हो उसका प्रावधान करना चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति बार बार मेडिकल काउंसिल का प्रतिनिधित्व करे, इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। मैं अपने तभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे संशोधन के प्रावधान से मेडिकल काउंसिल को और मजबूत करना चाहिए और ये जो शिक्षा का सुनिश्चित करना चाहिए। अभी अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सस्पेंड करने के बाद जो नेशनल काउंसिल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन हेल्थ नामक एक ओवरआर्चिंग बॉडी लाना चाहते हैं, मैं इसका स्पष्ट रूप से विरोध करता हूँ। मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल जो संस्थाएं के प्रति पूरा वो अनादर होगा। इनकी मेडिकल काउंसिल की सेंटिटी बरकरार रखनी चाहिए और ऐसा कोई भी ओवरआर्चिंग बिल लाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कुछ भी त्रुटियां हैं वो त्रुटियां को उसमें उजागर करना चाहिए। लास्ट में सभापति महोदय, संघीय ढांचे के मैं बारे में बोलना चाहता हूँ कि भारत आजाद होने के बाद अब तक जितनी भी सरकारें आए, इतनी सरकारों में अभी की जो ये यूपीए सरकार है उसने बार बार संघीय ढांचे को तोड़ने का जो कार्य किया है, बार बार संघीय ढांचे पे प्रहार करने का कार्य किया है। मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसी कोई भी सरकार ने संघीय ढांचे पे प्रहार नहीं किया है, चाहे वो NCTC हो, चाहे वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो, चाहे वो लोकपाल या लोकायुक्त हो, कोई भी बात हो, संघीय ढांचो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था तो ये ख्याल से इसमें पार्लियामेंट के सिस्टम या संघीय ढांचे को इम्प्लीमेंट इसीलिए किया गया था कि भारत एक बहुत विशाल देश है, भारत की संस्कृति हर कोने में अलग अलग संस्कृति है और ऐसे विशाल देश के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संघीय ढांचा यहाँ सक्सेसफुल रहेगा। मगर ये सरकार जो संघीय ढांचे को तहत तहत नाबूद करने के लिए जो कोशिश करता है, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि कई राज्यों ने जो विकास किया है, मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात की सरकार ने जो विकास किया है, गुजरात की सरकार ने जो देश का ग्रोथ इंजन बनकर जो विकास किया है, इसमें केंद्र सरकार की ओर से बार बार बाधा डाली जा रही है, गुजरात सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न किया जा रहा है और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को उसमें उसको इम्प्लीमेंट करके गुजरात सरकार को उसमें अन्याय करने का जो बात है उसके बात ना हो, इसको मैं केंद्र को चेतावनी देना चाहता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री के निमाला।